नमस्कार, प्रतिनिधि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश मेहता। आज की खबरों से पहले सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पे। गोवा में देर रात राजनीतिक ड्रामा चला। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी MGP का भाजपा में हुआ विलय। मुरादाबाद में विजय संकल्प रैली में अमित शाह का बयान, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद आतंकवाद हुआ खत्म। योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में विजय संकल्प रैली को किया संबोधित। और BJP ने आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए अपना घोषणा पत्र किया जारी। घोषणा पत्र में पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेह शासन जैसे कई वादों का भरोसा। और अब खबरें विस्तार से। गोवा में देर रात राजनीतिक ड्रामा चला। करीब 2:45 बजे महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी MGP का भाजपा में विलय हो गया। उसके दो विधायक मनोहर अजगांवकर और दीपक पवासकर ने अपनी पार्टी के भाजपा में विलय होने का पत्र विधानसभा स्पीकर का कार्यभार संभाल रहे माइकल लोबो को सौंपा। पार्टी के कुल 3 विधायक हैं। यहां आपको बता दें कि दल बदल कानून के तहत अगर पार्टी के 2/3 विधायक अलग होकर नई पार्टी बनाते हैं या किसी दल में शामिल होते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता। 36 सदस्यों वाले सदन में भाजपा के अब 14 विधायक हैं। स्पीकर को सौंपे गए पत्र में एकमात्र जिस विधायक के दस्तखत नहीं है वे अभी सरकार में सहयोगी दल के कोटे में उप मुख्यमंत्री सुदीन दवलोकर हैं। स्पीकर लोबो ने MGP के टूटने की पुष्टि करते हुए कहा कि 2/3 विधायकों ने अलग पार्टी बनाकर भाजपा में विलय कर लिया है। उन्होंने बताया कि संविधान के अनुसार सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। BJP अध्यक्ष अमित शाह ने कल मुरादाबाद में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। अपने भाषण में बोलते हुए अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद आतंकवाद खत्म किया है। जब आतंकवादियों ने पुलवामा में हमला किया तो केंद्र सरकार ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को मारा और ऐसा करने के बाद में विपक्ष जो है इसके बाद भी सेना के शौर्य पर सवाल करती है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। उधर BJP ने आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेह शासन के साथ ही कई वादे किए गए हैं। पार्टी ने पोलावरम समेत सभी सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के साथ साथ राज्य के चौतरफा विकास का वादा भी किया है। BJP के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने राज्य के लिए विशेष दर्जे के बदले आर्थिक पैकेज को स्वीकार किया। विशेष दर्जे को लेकर मुख्यमंत्री के दोहरे रुख को बेनकाब करते हुए पीयूष गोयल ने राज्य को केंद्र की विशेष सहायता की बात भी की। तो ये थी अभी तक की खबरें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए प्रतिनिधि न्यूज के साथ। नमस्कार।